मैं बड़ी सरलता के साथ आपके माध्यम से मैं समाज के बीच मैसेज देना चाहता हूं कि जब तक माझी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले तक उनके समाज की क्या स्थिति थी। जब तक लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, बिहार समाज में यादव समाज की क्या स्थिति थी। और मुसलमान जो देश की आजादी में अहम भूमिका निभाया, जब फांसी के फंदों को चूमने की बारी आई तो उलेमाओं ने फांसी के फंदे को चूमा, और राजनीति में साहब लोकतंत्र में वही समाज तरक्की किया है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी हुई है। और हमारे मुसलमान भाई इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, अब्दुल कलाम अगर पढ़ता है तो आपको परमाणु शक्ति संपन्न बनाता है। अरे भाई सरकारों आंखें खोलो, अगर हजारों अब्दुल कलाम तुम्हें चाहिए तो इस मुसलमानों की तरफ देखो, मुसलमानों को ताकत दो। इनके पास ऊपर वालों ने ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, हजारों हजारों अब्दुल कलाम निकलेंगे और हमारे देश की तरफ आंखें उठाने की ताकत किसी की नहीं है। हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी उन सबों के लिए है कि जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जिनके ऊपर जुल्म होता है, उसके खिलाफ लड़ने वाली, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने वाली पार्टी है तो वो AIMIM पार्टी है। सीतामढ़ी वासियों से कि मजलिस से आप जुड़िए, ये मजलिस किसी एक की पार्टी नहीं है, ये मजलिस हम तमाम लोगों की पार्टी है कि जिनके लिए आवाज उठाने के लिए सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने वाला नेता बिहार में अख्तरुल ईमान साहब है तो देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या उद्देश्य? उद्देश्य समरसता हो, समानता हो, समतामूलक समाज हो, भाईचारा हो, इसी संदेश के साथ बैरिस्टर साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। और इसी मैसेज को लेकर के आज हम सीतामढ़ी जिले में आए हैं। और सीतामढ़ी जिले में आने के बाद जो हमारे कन्वेनर है जिले के भाई, हमारे नजरे आलम साहब और चांद बाबू और इनकी पूरी टीम, देखने के बाद तसल्ली हमें है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को पहुंचाने में ये और इनकी टीम सक्षम है। कहां-कहां जाना हुआ है? जिस सीतामढ़ी में रून्नी सैदपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसे संबोधित करने के बाद फिर ददरी जामिया जाया फैजू राजा जी का जो मदरसा है और उनका मकबरा है, वहाँ भी जाकर के मथा टेक करके उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के श्री चरणों में संविधान निर्माता है। आपके दौरे से पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए मैं आपको कुछ बताऊँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फायदे की राजनीति नहीं करता। हाँ, कुछ को मैं जगा दूँ, कुछ को आप जगा दो, ये जगाने की राजनीति हम करते हैं। हमें ना ही विधायक बनने की लालसा है, ना ही हम मुख्यमंत्री बनकर के जुल्म करना चाहते हैं। हाँ, जो जुल्मी सरकार है उसको आईना दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें जो ताकत मिली है जनता के अंगूठे के दम पे मिली है, तुम रानी के पेट से पैदा लेकर के उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तक नहीं बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक नहीं बैठे हो, तुम्हें उस कुर्सी पे जो बैठा है संविधान के दायरे में आम जन के हित में निर्णय लेने के लिए। लेकिन वर्तमान जो देश और प्रदेश की स्थिति है बड़ा ही भयावह है। आप सच बोल नहीं सकते, सच बोलोगे मुकदमा का सामना करना पड़ेगा, सच बोलोगे ईडी CBI तमाम तरह की सरकारी संस्थाओं का प्रयोग करके ये सरकार लोकतंत्र को दबाने पे आतुर है। लेकिन हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, बैरिस्टर साहब का सिपाही होने के नाते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शपथ लेते हैं कि जब तक सांस है आम जन की लड़ाई, गरीब मजदूर किसान दलित अल्पसंख्यक, लोग कहते हैं कि 20% मेरा है, 5% मेरा है, 70% मेरा है, और बैरिस्टर साहब कहते हैं 100% मेरा है, तो हमारी सोच है कि पूरा हिंदुस्तान खुशहाल हो। जातीय जनगणना पे आप क्या कहेंगे? जातीय जनगणना बेहतर है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कम से कम हमें ये पता तो चले कि हमारा कौन भाई पिछड़ा रह गया और कौन बहुत आगे निकल गया। लेकिन उसमें कहीं कुछ त्रुटियां भी है जिसको लेकर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष
और विधायक भी हैं वो अकरुल इमाम साहब, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पत्र पे गौर फरमाएं वो, और जायज मांगे, क्योंकि तीन सेट जिसके मकान पे डला है उसे भी पक्के में डालने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जिनका पक्के का मकान बना है उसे कच्चे में डालने का जो काम कर रहे हैं। जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, बिहारी भाई हैं। मैं डायरेक्ट वे में ये कहना चाहूंगा कि संविधान के दायरे में रहकर जो सरकार का कानून है उसको फॉलो करे और आम जन तक उसका हक पहुंच सके। इस दाग को किस तरह खत्म करेंगे? विपक्ष के द्वारा इल्जाम लगाया जाता है मजलिस इत्तेहादी जो है हिंदू विरोधी पार्टी, क्या करेंगे? कोई बाइट आप हमें दिखा दे हमारे नेता बैरिस्टर साहब का, जो उन्होंने कभी किसी मजहब किसी संप्रदाय के खिलाफ उन्होंने बोलने का काम किया हो। आज भी जैन समाज का एक बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है श्री सम्मेत शेखर जी, उसे भी ये सरकार पैसे कमाने के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम करने की तैयारी कर रहा था, जिसका विरोध हिंदुस्तान के तमाम जैनी भाइयों ने किया, और उसका समर्थन अगर किसी ने किया इस हिंदुस्तान में तो वो एक ही नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये तो बेबुनियाद इल्जामे हम पे लगती है साहब, वो कत्ल पे कत्ल करे जा रहे हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला ही और हमने आहें भी भर दी तो हंगामा खड़ा हो गया। आखिर में अपना परिचय देते हुए अपनी पार्टी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जी मैं पंडित मनमोहन झा गामा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक अदना सा सिपाही हूं, और आप सोचो कि मैं एक पंडित, अगर मुझे ताकत का लालसा होता, धन की लालच होती तो भारतीय जनता पार्टी या अदर किसी और पार्टी का मैं राजनीति करता। आखिर बैरिस्टर साहब के साथ कांटों की राहों पर चलना क्यों पसंद किया? क्योंकि दर्द होता है सीने में, जब मैं किसी माँ के तन पे आधा कपड़ा देखता हूँ तो दर्द होता है, जब किसी बच्चे को जो पढ़ने का उम्र होता है, जब पढ़ने का उम्र होता है उस बच्चे को, तो उसके हाथों में खुरपी देखता हूँ और घास काटता हुआ देखता हूँ। तो क्या यही आजादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं? सिर्फ साइनिंग इंडिया कभी आ जाता है, मेक इन इंडिया, व्हाट इज मेक इन इंडिया? हमारा देश रो रहा है, हमारी माँ रो रही है, भारत माँ रो रहा है, उनके बच्चे भी लख रहे हैं। अगर मुसलमान रोता है तो भारत माँ रोती है, हिंदू रोता है तो भारत माँ रोती है, जैन रोता है तो भारत माँ रो, लेकिन इन सियासतदानों को हर जगह हिंदू मुस्लिम ही नजर आता है। अरे एक नज़र इंसानियत से भी देख लो, तुम्हें भी उसने ही भेजा है, हमें भी उसने ही भेजा है, मुसलमानों को भी उसने ही भेजा है। मोहम्मद नजर आलम जान बाबू, AIMIM युवा जिला संयोजक सीतामढ़ी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज जो है हमारे सीतामढ़ी की धरती पे हमारे पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए हमारे मेहमान बड़े भाई पंडित मनमोहन झा गामा साहब का सीतामढ़ी ज़िला की धरती पे आगमन हुआ। उनका मैं सीतामढ़ी की पूरी MIM की टीम जो है शुक्रिया अदा करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब के आदेश पर और आदिल हसन आजाद साहब के आदेश पर इनका हम पूरी टीम सीतामढ़ी की टीम जो है लगातार रूनी सैदपुर से लेकर के और पूरे ज़िला में जहाँ जहाँ हमारा कार्यक्रम का जो स्थान था वहाँ लेकर के हम लोग घूम रहे हैं, और पूरे ज़िला को ये एक हमारा मैसेज है और ख़ास करके पंडित मनमोहन झा गामा साहब को बुलाने का ये हमारा जो मैसेज था ये था कि लोग कहते थे कि ये MIM जो है मुसलमानों की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि हमारे मजलिस के जो सिपाही हैं इतने बुलंद सिपाही हैं, जो आज लगभग 10 पंडित समाज के लोग हमारे जो है MIM का सदस्यता सीतामढ़ी में लिए हैं। तो इससे मैं कहना चाहता हूं मैं अपने दलित भाइयों से कि हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी उन सबों के लिए है कि जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जिनके ऊपर जुल्म होता है, उसके खिलाफ लड़ने वाली, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने वाली पार्टी है तो वो AIMIM पार्टी है। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सभी समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, सदन से सड़क तक हमारे बिहार के नेता जनाब अख्तरुल ईमान साहब लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा NRC हो, CA हो, जो भी मामला हो उस पर अगर पार्लियामेंट के अंदर में आवाज उठाने वाला कौन है? आखिर मुस्लिम समाज से भी सांसद है लेकिन उनके जवान पे दही जम जाता है। हमारे नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाने का काम किए, चाहे आप बिहार के अंदर में किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, हमारी बहने को साथ अगर
लिंचिंग होती है, रेप होता है, तो उस पर बिहार सदन में रखने वाला आवाज कौन है? वो बिहार का नेता अख्तरुल ईमान है। चाहे गुलनाज का मामला हो या कहीं का भी मामला हो, वो हमारे नेता हमेशा आवाज उठाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सीतामढ़ी वासियों से कि मजलिस से आप जुड़िए। ये मजलिस किसी एक की पार्टी नहीं है, ये मजलिस हम तमाम लोगों की पार्टी है कि जिनके लिए आवाज उठाने के लिए सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने वाला नेता बिहार में अख्तरुल ईमान साहब है, तो देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जी मोहम्मद उबैद खान, MIM कोर कमेटी सदस्य, सीतामढ़ी बिहार, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम। जी हमारे बड़े भाई डॉक्टर पंडित मनमोहन झा में यूपी से आए हैं, बिहार में तशरीफ लाए। मैं इसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खबर के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपली बाजार, प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।